हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गर्मी बड़ी ज़ोरों पर है और कल माशाल्लाह से हमारी मुसलमानों की ईद है, बकरा ईद है कल हमारी। तो उसकी तैयारी यही है कि बकरे तो माशाल्लाह ज़िबह होते ही हैं, सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करते हैं हम, और जो ख़वातीन हैं वो रात में मेहंदी ज़रूर लगाती हैं। तो ये मेरी भांजी आई हुई है, ये और मेरी बेटी, ये दोनों इनको शौक़ है, तो ये रात में इकट्ठी होकर ये लोग मेहंदी लगाती हैं। तो अभी ये देखिए, ये मेरी बेटी ने मेहंदी लगाई है, इन्हें है तो दोनों बच्चियाँ पढ़ने वाली हैं माशाल्लाह से, और लेकिन कोई है कि इस तरफ इंटरेस्ट हो ही गया है, इनके खुद ही लगा लेती हैं। आजकल मैंने देखा है कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, बच्चियों को सब कुछ खुद ही आता है। तो ये मेहंदी लगाती हैं, देखिए अब इनके फिंगर्स पर लगाई है, जब तक इनकी ये ड्राई होगी वो मेरी बेटी अपने हाथों पर लगा रही है, फिर बाकी की इनके हाथों पर भी लगाएगी। मैं बाकी की इसकी तैयारी भी बताऊँगी आपको। और कल के लिए इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी भी ली है, क्योंकि इन दोनों के हमने कान जो है आफ्टर मैट्रिक वो जितवाए हैं, तो दोनों ने लंबे लंबे बाल लिए हैं, वो झुमके और उस टाइप की चीज़ें ली हैं। तो वो बाकी की तैयारी मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? हाँ जी, ये देखिए आप, ये मेरी बेटी ने अपने हाथों पर भी लगा ली है मेहंदी, तो माशाल्लाह अच्छी ही लगा रही है, ठीक है। हालांकि मैं कहती हूँ ये पढ़ने वाली बच्ची हैं, लेकिन देखिए माशाल्लाह आ ही गया इन्हें ये काम भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की लगाती हैं और अच्छी लगा ली है मैंने मेहंदी का। बहुत प्यारा डिज़ाइन, अच्छा लग रहा है मुझे तो, उस लिहाज से जिस लिहाज से ये पढ़ने वाली बच्ची हैं, इनको मुझे नहीं लगता था इन्हें कोई इस तरह का इंटरेस्ट हो। तो इनके मैंने आपको बताया, जैसे कि कान भी अब चितवाए मैंने ही ज़बरदस्ती, वरना अब तक नहीं हुआ था। और ये देखिए जी, कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है इन्होंने, और अब ये हाजा की कम्प्लीट करेंगी। हाँ जी, ये देखिए मेरी बेटी ने ये दूसरे हाथ का भी हाजा का डिज़ाइन बनाया है, ये देखिए। आप लोग कमेंट्स बताइएगा कैसा डिज़ाइन ये बनाया है। लाइट सा डिज़ाइन है, हाजा बहुत हिल रही थी, ज़रा मस्तियाँ भी बहुत कर रही थी, तो मेरी बेटी ने भी बना दिया है। ये देखिए जी, इनका डिज़ाइन कैसा है कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इन बच्चों के डिज़ाइन कैसे लगे आपको। ये देखिए जी, कितना अच्छा लग रहा है ना, वाइट टाइट से डिज़ाइन, ठीक है जी। दूसरे हैंड पर दिखाइएगा बेटा, हाँ ये फिंगर्स का, ये तो आपको दिखाया था, ये ड्राई हो चुका है। और ये देखिए जी, ये देखिए ज़बरदस्त डिज़ाइन। हाँ जी, तो ये इन दोनों की मैंने हाजा और जो मेरी बेटी जो है मिशी, दोनों जो हैं मेहंदी लगा रही, मेरी बेटी और भांजी, और उनकी तैयारी मैंने आपको दिखा रही हूँ। ये चांद रात कैसे तैयारी कर रही हैं, ये देखिए जी। अब मैं इनकी ज्वेलरी दिखाने लगी हूँ आपको, ये मेरी भांजी की ज्वेलरी है, देखिए माशाल्लाह दोनों ने आफ्टर मैट्रिक ये कान इनके मैंने छिदवाए हैं, तो इन दोनों को बहुत शौक आ रहा है बड़ी बड़ी ज्वेलरी का। आप देखते हैं पहनते हैं कि नहीं, एक दिन वैसे इन्होंने पहनी है, दोनों की, दोनों नानों के घर जब जाती हैं तो वो करती हैं कि चलो आज हम ये कपड़े पहन के जाते हैं, आज हम ये ज्वेलरी पहन के जाते हैं, तो इन्होंने बड़ी बड़ी ज्वेलरी ली है। तो वैसे इरादा तो इन्होंने यही किया हम पहन के जाएंगे नानों के घर, अब देखते हैं ये लोग क्या पहनती हैं, ठीक है। तो ये देखिए बड़ी ये ज्वेलरी, ये देखिए इसके साथ का ये इन्होंने ये लिए, रिंग भी बड़ी प्यारी लगी मुझे। और अभी तो काफ़ी सारी ज्वेलरी, क्योंकि हाजरा ना अभी वो लेकर भी नहीं आई हैं, ये इन्होंने जो चांद रात को ली है वो ज्वेलरी है। ये देखिए ये मुझे बहुत प्यारी लगी ना, नाजुक से अच्छे लगे मुझे ये उनके। अच्छा फिर ये देखिए आप, ये कितने प्यारे हैं इनके इयर रिंग्स, ये देखिए भी मुझे अच्छे लगे, ये भी बहुत प्यारे हैं ना, नाजुक नाजुक से ये अच्छे लग रहे हैं। फिर ये इन्होंने ली है, ये देखिए ये इयर रिंग्स है, और ये साथ ये इनकी फिंगर रिंग है, ये बहुत प्यारी लगी, प्लम सा कलर आ रहा है इनके, शायद सूट है ना। अच्छा ये होगी, और ये देखिए इन्होंने हेयर एक्सेसरीज भी ली हुई है, ये बालों में लगाने के, दोनों की हाजरा की है ये। और ये देखिए जी, इनका बड़ा प्यारा सा मुझे इनका ये कड़ा बहुत प्यारा लगा है मुझे, इनका प्यारा सा कड़ा है, इसका लॉक खुलता है, ये देखिए लॉक खुलता है और ऐसे पर ये लगता है, ये बहुत प्यारा लगा मुझे, अच्छा लगा, नाइस गुड, ये भी अच्छा है। ये ब्रोच प्यारा सा है, उनकी चॉइस है ना बच्चियों की, इनको पसंद है ज्वेलरी, ये वो, ये बच्चियाँ खुद गई हैं लेकर आई हैं अपनी ज्वेलरी, तो अच्छा लगा है। ये ब्रोच लिया है इन्होंने, बाकी छोटी छोटी ज्वेलरी है इनकी, ये सब ठीक है, ये हो गया। और ये इन दोनों के, दोनों के एक जैसे मतलब छोटे छोटे ये इन्होंने लिए जो इनको अच्छे लगे, तो इन्होंने ले लिए, ये बहुत प्यारे, ये छोटे छोटे नाजुक नाजुक से, ये भी बहुत प्यारा सा मुझे लगा है, पहनेंगी सूट के साथ अच्छे लगे, बहुत प्यारे हैं, गुड ज्वेलरी हाजा, गुड सिलेक्शन, बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्ट किए। ये बड़ी बड़ी लिए इन्होंने, देखे ये लोग पहनेंगे, कह तो रही हैं पहनने के लिए पहनेंगी, ये रेड कलर का भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये छोटी छोटी ज्वेलरी ना। और ये देखिए जी, ये है एक इनकी बहुत प्यारी लगी ब्लू, और ये इनकी हाथ जाती है मिशी की, इनकी भी देखिए इन्होंने भी एक ऐसा ही कड़ा लिया है, अगर हाजरा ने लिया है गोल्डन तो मिशी ने लिया है ये देखिए सिल्वर मेरी बेटी ने, ये दोनों एक ही जैसी लेती हैं चीज़ें। अब उनकी जो बड़े बड़े रिंग्स थे ये मैंने आपको दिखाए थे, ये हाजरा ने लिए हैं, तो फिर ये मिशी ने अपने प्लम कलर के ले लिए, दिखाया मैंने आपको, ये देखिए इनके प्लम कलर के, ठीक है। साथ ये देखिए बड़ी रिंग, ये देखिए जो जो इन्होंने ब्रोच इनको
पता नहीं किस जगह ब्रोच लगाएंगे, कोई ऐसा दुपट्टा तो नहीं, पता नहीं, बस जो जो इनको अच्छा लगा छोटा सा इन्होंने ले लिया। ये अगेन ये कड़ा है, और ये जो है बैंगल्स हैं, ये इनके खालू लेकर आए थे, वो उमरा करके आए तो वही से अच्छा लगे, बहुत प्यारी प्यारी वो ज्वेलरी लाए थे, लेकिन ये इन्होंने पहनी नहीं है अभी, मतलब रखी हुई इन्होंने। ये देखिए ये लॉकेट इस तरह से, ये रिंग्स इनको अच्छी लगी, बस जो जो इनको अच्छा लगता है। ये देखिए ना, पता नहीं इन्होंने पहननी है क्या, ये ज्वेलरी लंबी लंबी ले ली है, क्योंकि अभी इनके कान नहीं अच्छे थे तो ये लोग पहनेंगी लंबी लंबी, इनको शौक आ रहा है। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी अच्छी लगी है, ये देखिए ये वाली रिंग अच्छी है, और ये देखिए ये बहुत प्यारी है, ये देखिए एक ये वाली है, और ये रेड ये है लंबी लंबी, एक ये रेड है, ये नाजुक सी है, ये बहुत प्यारी लग रही है अभी। अब देखते हैं ये लोग पहनती हैं, ये देखिए जी ये देखिए शीशे वाली आजकल बड़ी इन्हें, तो ये इन्होंने लिए इतनी सारी, इन दोनों ने ज्वेलरी लेकर आई है चांद रात को दोनों गई हैं। और ये देखिए जी ये वाली अपने सूट के साथ मैचिंग है, और फिर ये मेरे लिए लेकर आई मेरी बेटी, लेकिन मैंने कहा है बेटा मैं कहा आप ये ज्वेलरी इस टाइप की पहनती हूँ, लेकिन अच्छा लगा इनको, ये है पर्ल का सेट है तो ये लेकर आई है मेरे लिए। ये हो गया एक, और इसके साथ दो तरह के ना, ये देखिए इयर रिंग्स भी दो तरह के लाई हैं कि मामा अगर आपको ना पसंद आए, बड़े पसंद आए तो बड़े पहनिएगा, छोटे पसंद आए तो आप ये छोटे पहनिएगा। ये देखिए ये लेकर आई है। चलिए जी, बच्चियों का शौक होता है, ये मैंने इनकी ज्वेलरी दिखा दी आपको जो चांद रात पे इन्होंने ली है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इन लोगों का कॉस्मेटिक्स का, ये कॉस्मेटिक्स माशाल्लाह इन्होंने चांद रात पे अच्छा खासा ख़रीदा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। जी ये मैं अपनी भांजी की आपको अब ये कॉस्मेटिक्स का दिखाती हूँ जो इन्होंने चांद रात में ख़रीदा है। फिर बच्ची है ना, मैं अब कभी मैं बड़ा गुस्सा भी करती हूँ अपनी बेटी और भांजी को, बेटा ये क्यों पैसे इनमें ज़ाया कर रही हो, तो मेरी बेटी कहती है हाँ आपने अपने टाइम में जो इतनी इतनी कॉस्मेटिक्स ये वो, मुझे बड़ी हंसी आती है, बेटा सही बात है, क्योंकि हर एक का टाइम होता है, इन बच्चियों का टाइम है, जो इनको अच्छा लगा जैसा ये समझती है बेहतर इन्होंने ख़रीद लिया। छोटी हैं बच्चियाँ अभी, जाहिर बात है इतने सेंस नहीं है, जो दिल चाहता है अभी इतनी, लेकिन मैं कहती हूँ चले ले लें इतने पैसों में आप लोग जो ले सकते हैं। तो ये देखिए हाजिर ने लिया है, ये इन्होंने मिसिका का इन्होंने लिया है, आई शेड पैलेट है ये, ठीक है ये इन्होंने ले लिया। फिर इन्होंने ये क्या लिया है, ये बीबी क्रीम है इनकी हजरा की, इन्होंने और ये इनका है कुछ परफ्यूम है छोटा सा प्यारा सा नाजुक सा, जो इनको अच्छा लगा वो लिए इन्होंने। ये देखिए लिक्विड में इन्होंने लिया, हाइलाइटर लिया लिक्विड में, ठीक है। अगेन ये लिपस्टिक है और लिप ग्लॉस भी है, एक साइड पे लिपस्टिक है एक साइड पे इनका ये लिप ग्लॉस है, ठीक है। यहाँ से लिप ग्लॉस, ये तब ये लिप ग्लॉस है, और यहाँ से ये लिपस्टिक है, ठीक है। ये देखिए जी, और ये भी अगेन इनकी लिपस्टिक है हजरा की, और ये देखिए जी मस्कारा ले लिया इन्होंने, ये कौन सा है लैश पॉम मस्कारा, लैश पॉम बहुत अच्छा ज़बरदस्त है ये मैंने देखा है। और ये इन्होंने जी आगे लिक्विड कंसीलर लिया है, अब इन बच्चियों को बस सब कुछ आ गया है ना, हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि बेटा क्या मेकअप करना है कैसे करना है, ये बच्चियाँ खुद ही कर लेती हैं आजकल की ना, सेवन्थ एट्थ में ये बच्चियाँ बस आजकल सबको आता है। अच्छा जी ये ब्लशर लिया इन्होंने, अच्छा प्यारा सा लगा, और ये इनकी पेंसिल, ठीक है। ये आपने मेरी भांजी का देखा कॉस्मेटिक, अब मैं अपनी बेटी का भी दिखा देती हूँ, दोनों को बस है शौक है। अच्छा ये देख लिया आपने, ये मेरी भांजी का कॉस्मेटिक्स था, अगरचे जब ये दोनों आई हैं शॉपिंग करके तो मैंने बड़ा इन्हें डांटा भी, मैंने भी मेरी बहन हम दोनों बैठे थे, हमने कहा क्यों पैसा ज़ाया करती, फिर मुझे हुआ मैंने कहा नहीं बच्चियाँ सही कह रही हैं, एक टाइम होता है ना हर एक का, तो हम वैसे पीछे लगे रहते हैं तो नहीं करना चाहिए। अच्छा ये मेरी बेटी ने लिया डायमंड आईज़, ये इन्होंने लिया आई शेड्स, मतलब हाई लाइटर है वाला, बहुत प्यारा सा ये बड़ा, जो जो इनको अच्छा लगता है। अच्छा मिसफिट का इन्होंने ये ले लिया है, ये इनका फाउंडेशन मिसफिट का, ठीक है। और ये इन्होंने ले लिया ब्लशर, इनको अच्छा लगा मेडोरा का, इन्होंने ले लिया फेस पाउडर, जो ये समझती हैं ये इन्होंने अपनी अपनी चॉइस से लिया है। ये जी मस्कारा है इनका, और जी ये है लिपस्टिक और लिप ग्लॉस है, ये इनकी नेल पॉलिश है, ठीक है। ये लिप ग्लॉस ये ले लिया है, और मेरी बेटी को बस पसंद है लिप ग्लॉस, ये लिप ग्लॉस ज़्यादा यूज़ करती हैं, ये लिपस्टिक लिप ग्लॉस दोनों। और ये देखिए ये वाली ये लिपस्टिक मुझे अच्छी लगी मेरी बेटी की, ये देखिए ये बहुत प्यारी है, क्योंकि अक्सर मेरी वो भांजी आती है ना तो वो लिपस्टिक निकाल के खोल देती है, तो वो कल हंस रही थी कहती है मामा मैं ब्लॉक वाली लाई हूँ, अब वो छोटी आएगी फरवा तो ये देखिए बचत हो जाएगी, ये तोड़ नहीं सकेगी, ये पीछे से प्रेस किया। और ये देखिए ये बहुत प्यारा सा शेड है, अच्छा लगा मुझे, ये देखिए अच्छा लगा मुझे ये प्यारा सा। अच्छा जी ये, और ये देखिए ये कंसीलर है इनका, ये तो दो शेड का है ना ये कंसीलर, लाइट एंड डार्क जैसे इस पर है,
ठीक है। और अगेन ये इन्होंने लिया है कंसीलर। कंसीलर पता नहीं आजकल बच्चियों क्यों इतनी ज़्यादा वो कर रही हैं। ये देखिए जी, इनको प्राइमर का भी सारे नोहा होगी कि प्राइमर भी लेना है, तो इन्होंने ये प्राइमर भी लिया है। और इसी तरह ये भी है इनके पास जी, ये लिप ग्लॉस एक वो ले लिया इन्होंने, ये मैट अच्छा लग रहा है मुझे, बस ये लेती रहती हैं ये लोग ना। मिस रोज़ का ये फेस शाइनर लिया है। तो जी ये थी हमारी बेटी की मतलब ये कॉस्मेटिक्स। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन लोगों ने जो ड्रेसेस बनाए दोनों ने। अभी हाजरा का जो मेरी भांजी है, इनके तो ड्रेसेस दो जो है वो इनकी मामा लेने गई है टेलर के पास ही, तो दो इनके सिल के आ गए ना, तो एक इनके घर ही है तो दो ही ले आई थी मेरे घर। तो मैंने कहा चले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बेटी के और भांजी के ड्रेसेस, ठीक है। कपड़ा है अच्छा व्यूअर्स, ये है आज बहुत शदीद गर्मी है और वीडियो बनाने के लिए हमें फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ता है, तो मैंने एसी फिर ऑन कर लिया इसलिए कि ज़रा हम इजीली बना लें। तो ये देखिए जी, अब ये मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये हाजरा की शर्ट है, ये मुझे बहुत प्यारी, रेडीमेड लिया है, बहुत प्यारा है इनका। देखिए चेन वन से शायद लेकर आई हैं। ट्राउज़र जो है इनका वो भी एम्ब्रॉयडरी है ना, देखिए ट्राउज़र में भी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए ट्राउज़र में भी एम्ब्रॉयडरी है और ये इनकी फुल शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी है। अभी प्रेस वगैरह करना है क्योंकि ला के सब ऐसे रखे हुए थे, आपको पता है गर्मी भी है और बहुत से काम थे चांद रात के जो हमने करने थे, तो अभी हमने प्रेस नहीं किए हुए, ठीक है। और ये एक इनका ड्रेस है हाजरा का, ये देखिए ये वाला, ये इन्होंने खुद ही स्टिच करवाया है। ये देखिए, ये देखिए नीचे इन्होंने टसल्स वगैरह लगवाए हैं, बहुत प्यारा सा लग रहा है। ए लाइन स्टाइल का है ये, और इसका ट्राउज़र भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा प्यारा प्लेट्स वाला वो आजकल चले हुए, ये देखिए आप लेस लगाई हुई है और ये प्लेट्स वाला है, ठीक है। और अभी हाजरा के जो दो सूट हैं वो इनकी मामा लेने गई है टेलर के पास, वो उनके तकरीबन सिल गए हैं, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ खुशबख्त के, क्योंकि ये हाजरा भी अपने घर से लेकर आई हैं, दो ड्रेस ले आई थी और अभी इनके दो ड्रेस जो इनकी मामा लेकर आएंगी। तो ये हैं खुशबख्त के ना, ये देखिए मेरी बेटी के हैं, ये भी सिलवाया मैंने, ठीक है। ये बीड्स लगे हुए, टसल्स लगाएंगे, देखिए ये गला ऐसे करके बनाया हुआ है। और ये देखिए आप, ये नीचे भी इन्होंने टसल्स लगा दिए, हाजरा के भी टसल्स लगे हुए हैं, ये देखिए। तो ये कैसे हो सकता है मेरी बेटी ना लगाए, इन दोनों को आदत है, एक जैसा करती हैं दोनों ना काफ़ी हद तक। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि इन दोनों के ना ईद पर कपड़ों के कलर्स भी बाज़ात मैच कर जाते हैं। दो सूट जो है वो हाजरा के ऐसे इसी कलर के, ब्लैक भी है एक जो इनका गया हुआ, एक रेड कलर का भी है इनका, वो अभी सिल कर आएगा। ये देखिए जी, ठीक है, ये हो गया खुशबख्त का। और ये इनके, मैं ट्राउज़र का आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ, इनके ट्राउज़र में भी के फिटर ट्राउज़र आपने, ये जी ट्राउज़र में इनका, ये सिंपल ही है ना शर्ट का वो लगा कर, नहीं सिंपल नहीं है, ये देखिए कट वाला डिज़ाइन है, मैं भी भूल गई, ये देखिए जी ये कट वाला डिज़ाइन है। अभी ये सब प्रेस होगा तो बहुत प्यारा सा आपको सही लुक दिखाऊँगी। ये देखिए ये ट्राउज़र पर शर्ट का कपड़ा लगा के ना कट वाला डिज़ाइन डाला है, ज़रा और प्यारा सा हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैंने ब्लैक दिखाया था खुशबख्त का, ये वाला, ठीक है। और अब ये देखिए इनका रेड वाला ना, ये इस तरह साइड्स पे चलिए ब्लोची स्टाइल के ना, ये देखिए ओपन शर्ट है, इस तरह मैंने ये बटन्स लगाए, ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है देखिए अपने शर्ट पर। और ये ट्राउज़र दिखाती हूँ मैं आपको, इनके ट्राउज़र पर भी, क्योंकि भूल ही जाते हैं हम लोग, हाँ जी इनके ट्राउज़र पर भी आजकल चले हुए ना ये कर्ट्स वाले, वो गोल राउंड वाले कर्ट्स थे, और ये वाले देखिए आप ये ऐसे वी शेप में कर्ट्स हैं, ठीक है। अभी हम प्रेस वगैरह करेंगे तो अच्छा सा डिज़ाइन आ जाए आपको, ये वाजे होगा, ये देखिए जी, ठीक है। ये इनके ट्राउज़र है, अब ये सब मैंने प्रेस करने हैं। और एक ये शर्ट बन कर आई है, लेकिन ये ऐसे इन्होंने इस रेड के इन्होंने इस तरह से बनाए हैं आजकल चले हुए, ये देखिए आप, ये यहाँ से इनकी गैदरिंग है और ये कफ़सा बना हुआ है इस तरह के आजकल जो चले हुए। और अगेन ये कि येलो कलर की इन्होंने ये शर्ट बनाई है क्योंकि इनकी ब्लैक कलर की पैंट है साथ, ये देखिए आप, ये इनकी फूफो ने इनको गिफ्ट किया तो इन्होंने इसके साथ ही ब्लैक कलर की पैंट लगा ली है। ए लाइन ये फ्रॉक है, ठीक है, ये सिंपल सी गोल गले की है, ए लाइन फ्रॉक, इसके साथ पैंट है, शॉर्ट सी फ्रॉक है, ठीक है। अगेन ये भी इनकी फिरोजी कलर की है, रेडीमेड ये भी है, और इसके साथ वाइट कलर की पैंट है इनकी, उसके साथ ब्लैक है और इसके साथ वाइट कलर की। ये देखिए इसका भी डिज़ाइन प्यारा सा है ना, साइड पे बटन्स लगे हैं, देखिए आप थोड़ा सा प्यारा हो जाता है इससे ज़रा, ये बाजू देखिए इनके, ये इसके इसके डिज़ाइन है, सब प्रेस होंगे। अगेन ये ब्लू कलर का इनका लॉन का थ्री पीस है, ये देखिए जी, इस पे भी ये वाले आजकल जो चले हुए डिज़ाइन,
ये देखिए ये डाला है, ये एम्ब्रॉयडरी हुई है और दुपट्टे पे भी बड़ा प्यारा सा बॉर्डर है। और ये देखिए जी इनके ट्राउज़र का ये डिज़ाइन है, ये ट्राउज़र पे ये सब अभी हम प्रेस करेंगे तो और प्यारा आपको फिर पता चलेगा सही। और ये देखिए जी ये दुपट्टा भी इनका बहुत प्यारा है, बॉर्डर वाला शेफोन के दुपट्टे, इनका भी शेफोन का दुपट्टा है और ये रेड के साथ भी इसी तरह ये शेफोन का दुपट्टा बॉर्डर वाला प्यारा सा ना। और रेड पे मैंने ये ओपन दिया था और सारे बटन्स लगाए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के साथ ही। तो ये जी इन दोनों के डिज़ाइंस थे, इन दोनों के ये सूट्स हैं देखिए आप जी। अभी हाजरा के दो सूट आने हैं, एक फ्रॉक है हाजरा की और एक ब्लैक कलर का है, वो दोनों इनके टेलर के पास हैं। ये देखिए जी ये इनके ईद के ड्रेसेस थे। तो ये चांद रात की तैयारी मैंने आज आपको दिखाई है, तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में ये चांद रात इन दोनों की कैसी लगी, मेरी बेटी की हमारे घर में। और मैंने अपने ड्रेसेस तो आपको दिखाए हैं, वो जो फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे आया है, और मेरे बेटों की भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी आगे। तो बस बच्चे शाये होते हैं, आपको पता है बच्चे बिजी भी होते हैं ना, तो मैं व्लॉग में बस समझे अकेली होती हूँ। हाँ मेरी भांजी आ जाती है, वो वीडियो कभी डाल देती है, बच्चे हैं छोटे तो ये लोग कभी वीडियो डाल देते हैं। हाँ मेरा बेटा कभी छोटा डालता है तो वो इतनी हिला देता है, वो बिल्कुल हिलती रहती है, कभी मेरे हाथ से भी बहुत ज़्यादा हिल जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ज़ाहिर बातें आगे वो डी एस एल आर ले लूँगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरा वो दूसरा फिर वो सब कुछ ले लूँगी मैं, ट्राईपॉड भी ले लूँगी मैं और रिंग लाइट भी ले लूँगी इंशाल्लाह ताला, फिर मेरी वीडियो और अच्छी आपको लगेगी। लेकिन अभी मेरी जो ये सारी चीज़ें इनको आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना, इसलिए मेरी बहुत एफर्ट है, बहुत मेहनत है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई मतलब सहूलत नहीं है, जो आम मेरा मोबाइल है घर का छोटा, तो मैं उसी से ये सारी वीडियोज़ बनाती हूँ और डालती हूँ। बस मुझे ये है कि बस अपनी लगन होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी अल्लाह ताला देंगे। और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, कॉमेंट ज़रूर देने हैं, सब्सक्राइब करना है। तो अल्लाह हाफिज़।